नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूवी वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या है ब्लैक होल, उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज इसके पीछे हैं। मेनली तो दो थ्योरीज मानी जाती हैं। पहली तो स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी, जिसमें उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स पैराडॉक्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की और क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर बनाई है, और उसके बाद एक स्पिरिचुअलिटी की थ्योरी है। तो अगर आप सबको इन क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं कि क्या है ब्लैक होल, उसके पीछे की क्या मिस्ट्री है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि ब्लैक होल क्या है। तो दोस्तों, ब्लैक होल एक रीजन है स्पेस में जो कि जहाँ पे ग्रेविटी की जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। नासा के मुताबिक वहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इतनी ज्यादा है कि वहां पे अगर लाइट भी पास करे वो वापस बाहर नहीं आ सकती। कोई चीज भी ब्लैक होल के अंदर जाए वो बाहर नहीं आ सकती, जैसे कि वो एक एंड। उनमें से एक थ्योरी है, एक स्पिरिचुअल थ्योरी है। सनातन धर्म के मुताबिक इस धरती को तीन लोग चलाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु संचालक, और महेश यानी शिव जी है इसके डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाश। तो फिर जब हमने इसको साइंस के साथ रिलेट किया तो हमें ब्लैक होल के पीछे का कुछ राज पता चलने शुरू हो चुके हैं। तो फिर हमने इसको साइंस के साथ रिलेट किया, जबकि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजें इस धरती को चलाती हैं साइंस में के मुताबिक, जिसमें जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कि न्यूट्रल होते हैं, उसमें दोनों होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो फिर जो प्रोटॉन है वो है ब्रह्मा क्रिएटर, जो न्यूट्रॉन है वो है संचालक विष्णु जी, और जो शिव जी हैं वो है इलेक्ट्रॉन मतलब विनाशक। तो हमने इसको ऐसे समझा जो कि धरती है वो प्रोटॉन बन चुकी है, वो ब्रह्मा जी बना चुके हैं। जो विष्णु जी हैं न्यूट्रॉन, वो इस धरती को चला रहे हैं, संचालक है इस धरती के। और लोगों का मानना है कि जो ब्लैक होल है वो शिव जी का ही एक अवतार है, उनकी तीसरी आंख है, जो कि इस धरती का विनाश होगी, क्योंकि वहां जाके कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। तो यही था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इनके साथ रिलेशन, जो कि एक ब्लैक होल के पीछे की थ्योरी है। अब हम महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है स्टीफन हॉकिंग्स पैराडॉक्स। इसके मुताबिक जो बाहर है ब्लैक होल के वो एक इवेंट हॉरिजन है, जो कि ब्लैक होल की एंट्रेंस में है, जिसके अंदर कोई चीज चल गई वो बाहर नहीं आ सकती, उसके बाहर का जितना भी एरिया है वो सेफ होता है। तो फिर स्टीफन हॉकिंग्स ने पता लगाया कि अगर हमें उसके इवेंट हॉरिजन के बारे में पता लग गया तो हमें बहुत सारी चीजें ब्लैक होल के बारे में पता लग जाएंगी। उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जो कि है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो कि एनर्जी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मास, अगर हमें उसके इवेंट हॉरिजन का मास पता लग गया तो फिर हम उसके एनर्जी के बारे में पता लगा सकेंगे। अगर हमें उसकी एनर्जी के बारे में पता लग गया, हम ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। और उन्होंने पता लगाया कि अगर ब्लैक होल के अंदर चीजें नहीं जाए तो फिर जो उसकी एनर्जी है वो कम होने लग जाएगी। जब अगर एनर्जी कम होगी तो उसका जो मास है, क्योंकि एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास, उसका मास भी कम होने लग जाएगा। तो फिर जब वो मास कम होगा तो फिर एक टाइम के बाद जो ब्लैक होल है वो स्पेस में इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे उसकी जो ब्लैक होल की एनर्जी है वो स्पेस में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे हमने सीखा कि जो एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो एक जगह से
दूसरी जगह में ट्रांसफर होती रहती है। तो ये जो थ्योरी है इन्होंने स्टीफन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांतों पर लिखी है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। तो अब हम कर लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। काम शुरू करना काम नहीं है, काम को खत्म करना काम है। तो इसका मतलब है अगर हम कोई चीज शुरू करते हैं तो वो हमने कोई काम नहीं किया है। जब तक हम उस चीज को खत्म नहीं करते, मतलब उस चीज को कंप्लीट नहीं करते, तब तक वो काम नहीं गिना जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। कि काम शुरू करना काम नहीं है, काम को खत्म करना काम है। तो दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।